तो भाई ये कुछ इस गाड़ी का इंजन रूम, और देख लो भाई छोटा सा इंजन है और ये 660 सीसी इंजन है। और इंटीरियर भी देख लो भाई, इस गाड़ी का साफ सुथरी है और हमने भी लिए शोरूम से, लेकिन यार कंडीशन देखो भाई इस गाड़ी की। शॉपर वॉपर चढ़े में गाड़ी नहीं लगी पड़ी अभी तक, ठीक है। ऐसी गाड़ियां जो है ऐसी कंडीशन में बहुत ही कम मिलती हैं। तो गाइज हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भाई सीन कुछ ये है कि जो है हमारे घर पे है नई लाइट, और लाइट ना होने की वजह से जो है मैं आया हूँ अपनी दादी के घर पे। तो मैंने सोचा कि भाई एक दो दिन से व्लॉग नहीं रखा है तो चलो यहीं पे कुछ बना लेते हैं। तो पार्किंग में जो है फिलहाल ये गाड़ी है निसान डेज, और निसान डेज जो है मतलब कि ये मॉडल है मेरे ख्याल से 14-15, और ये जापानी गाड़ी है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को इस पूरी गाड़ी का रिव्यू दूंगा। यार कुछ होगा नहीं कंटेंट तो यार ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यार ये भी गाड़ी तो मतलब यूनिक है और ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। ये कोई सिविक या हमारी करोला थोड़ी है। तो चलते हैं, पहले मैं आपको इस गाड़ी का दिखाता हूँ आउटलुक, ठीक है। तो भाई बाहर से जो है अगर मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊँ तो इसकी लाइटें देख लो भाई, ओके। और यहाँ पर कोई फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं, बेसिक बम्पर है और ये ग्रिल है, ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी में एक ये सिस्टम है कि इस गाड़ी के साइड मिरर्स जो हैं पावर ऑन पे खुल जाते हैं, और टायर जो है मेरे ख्याल से छोटे से ही हैं, मेहरान के टायर हैं और व्हील कैप्स के साथ हैं, इसमें अलॉय रिम्स नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस गाड़ी का अगला बम्पर और पिछला बम्पर और जो इसकी डिग्गी है वो टचिंग में है, मतलब कि ये जो बम्पर है इसका और ये जो डिग्गी है इसकी, देख रहे भाई ये टचिंग में है। और बैक से अगर मैं आपको इसकी लाइटें दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसी हैं, लंबी सी आती हैं, और पीछे से भाई ये कुछ ऐसी है, ठीक है। लोगों के दोनों कट गए हैं पता नहीं कैसे, ये तो लग जाएंगे। और यहाँ पर जो है बैक पे जो है भाई इसका एक वाइपर भी आता है, ठीक है। और वैसे जो इस गाड़ी का बजट होता है ना पैसों में, ये जो है मेरे ख्याल से 20 लाख तक की आ जाती है। 20 लाख में जो है ऐसी गाड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन इस गाड़ी में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई ये है देखो, फुल अगर मैं आपको इस गाड़ी का लुक दिखाऊँ तो यहाँ से कुछ ऐसी है, मतलब कि आगे से छोटी होती है ये, समझो अंदर घुसी हुई होती है, और पीछे से जो है भाई ये काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। और अब चलो गाड़ी को हम लोग खोलते हैं। देखो चाबी है इसकी, मतलब कि ये मोबिलाइज़र की आती है, और अरे भाई क्या हुआ, ओके। तो भाई ये जो मोबिलाइज़र की आती है, और इसमें जो है मित्सुबिशी की चाबी होती है, और लॉक अनलॉक का होता है। तो जैसे हम लोग अनलॉक करेंगे, ये देखो भाई साइड मिरर जो है इसके साथ खुल जाते हैं। 20 लाख की गाड़ी में आप लोगों को मतलब कि 50-60 लाख गाड़ी वाले मज़े हैं, मतलब कि यार आजकल जो है नई करोला में होता है, ग्रैंडी में, नई सिविक में होता है, और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो वाला मज़ा जो है भाई इसमें भी है। और इधर भी भाई एक गिलास दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अभी अगर हम लोग इसके अंदर चलें तो भाई ये देखो इंटीरियर जो है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई लेग स्पेस तो आगे से बहुत है, पीछे में भी बहुत है, और इधर भी बहुत है। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि यार पीछे से दिखाओ ना, पीछे से कितना लेग स्पेस है। तो चलो मैं आपको इसका जो है पीछे से भी लेग स्पेस दिखा देता हूँ। भाई मुझे नहीं लगता कि अपनी किसी खाली पीली सिविक में या ग्रैंडी में इतना स्पेस होगा, भाई देख लो, मतलब क्या इतना स्पेस जो है किसी गाड़ी में भी नहीं होगा। और ये जो भाई बिल्कुल कंफर्टेबल सीट्स हैं। अच्छा, इनकी एक और बात, क्या ये जो है खुलती हैं और ऐसे लेट भी जाती हैं, ताकि डिग्गी में अगर हमारा कोई सामान वगैरह हो तो हम लोग वो भी निकाल लें। और नीचे जो भाई इसका सामान वामान आता है, और अब इसको हम लोग पीछे कर लेते हैं। और इसी तरह जो इसकी भाई ये इसको क्या हुआ, अरे यार ये तो फंस गई क्या, चलो इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। और इसी तरह जो है भाई इसकी ये सीट भी जो है खुलती है, और बैक पर भी जो है भाई इसको ग्लास दिए जाते हैं जैसे आगे हैं, ठीक है। तो अभी स्पेस की बात तो हो गई, अभी ये देखो दरवाजे इसकी क्वालिटी भाई अच्छी है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये ऑल्टो से बहुत ही अच्छी है। और अच्छा भाई इसमें पुश स्टार्ट वाला वेरियंट भी आता है, लेकिन ये जो है लोकल है, ये जो है चाबी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर लाइट का सारा सिस्टम दिया गया है, और इससे हम लोग मिरर खुद बंद भी कर सकते हैं, खुद खोल भी सकते हैं, और लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमें 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि भाई हमें अगर इसमें कुछ करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब बैठते हैं भाई गाड़ी में अंदर, और आराम से बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम, ठीक है, ओके। गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, और ये जो है हमें यहाँ पर शायद कप होल्डर मिलता है, लेकिन ये खुलेगा कैसे भाई, इधर भी है एक, लेकिन ये खुलते कैसे हैं मुझे ये नहीं पता है। ये भी अंदर हो गया यार, क्या हो रहा है यार मेरे से। अच्छा, इस गाड़ी का जो पैनल आता है ना, जो उसमें टीवी होती है भाई, ये बिल्कुल बेकार होती है, इसमें चाइनीज होती है। तो ये मैंने ही चेंज करवाया है अपने कज़न के साथ मिलके, और ये हम लोगों ने बेसिक जो है पैनल डाला, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल पैनल था उसमें तो भाई पता नहीं क्या चाइनीज वाइनीज थी, समझ में नहीं आ रही थी। अब यार ये जो अपनी गाड़ी है ना,
ये आती है मेरे ख्याल से दो एयरबैग्स के साथ, एक तो इधर है इसका एयरबैग, ठीक है, और एक एयरबैग जो है भाई इसका यहाँ पर भी है। ओके, ये इधर देख लो भाई फोकस मार के। अच्छा, एसी वेंट्स जो है इसके चार हैं, एक ये, एक दो ये और एक ये। ओके, अच्छा मीटर्स का आप लोग देख लो भाई, यहाँ पे डिजिटल टाइप का टच दे रहा है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन भी है कि अगर हम लोग इधर काटी पीटी करवा लें तो भाई ये जो है बन सकती है पुश स्टार्ट। और गियर जो है इसके यहाँ पर नहीं है, नो कंसोल नो सिस्टम, इसका जो गियर है वो है यहाँ पे डैशबोर्ड में, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो ये देखो, ये जो कंसोल है यहाँ पर चला जाए ना, तो एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये एक बंदा बीच में भी बैठ सकता है, ठीक है, और एक बंदा इधर भी बैठ सकता है, और एक ड्राइवर इधर भी बैठ सकता है। मतलब कि अगर कभी ज्यादा जरूरत पड़ गई भाई, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि बीच में बैठने की, ठीक है। मान लो आप बोलो कि भाई तुमने तो बोला था। अच्छा, अब डैशबोर्ड के स्पेस के ऊपर आए तो ये देखो, इधर भी हम लोग अपना बेसिक सामान रख सकते हैं, जैसे कि टिश्यू बॉक्स पतले वाले, और नीचे से जो है ये खुलता भी है भाई, इधर भी स्पेस अच्छी खासी है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर भी हमें कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसका इंजन और इसकी डिग्गी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब गाड़ी का हम लोग करते हैं एक स्टार्टअप, ठीक है, देखते हैं भाई कितनी देर में ये सेल्फ उठाती है। ओके, तो ये देख लो यहाँ पर जो है इसके टैंक में कितना पेट्रोल है भाई, वाह वाह, देखा गाइज आप लोगों ने, पॉइंट ही पॉइंट भरे हुए हैं। हाँ ओके भाई, बड़ा सेल्फ लिया गाड़ी ने, लेकिन स्टार्ट हो गई यार, ये ब्लर क्यों हो जाती है अपनी वीडियो। ओके अच्छा, अब स्टार्ट होने के बाद अगर मैं आपको एक और सिस्टम दिखाऊं, तो हैंड ब्रेक कहाँ है भाई, हैंड ब्रेक तो है ही नहीं इसमें, तो फिर हैंड ब्रेक गया तो गया कहाँ। चलो मैं आपको वो बताता हूँ, पहले ब्रेक को प्रेस कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हमें जो है नीचे ये देख रहो ये चीज, इसको ना क्लच वलच नहीं है भाई, ये इसको जो हमें पकड़ के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो हमारा हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसको दोबारा पकड़ लेंगे तो ये देखो भाई हैंड ब्रेक यहाँ पर वापस आ गया अपनी जगह पे। ओके, तो एसी अगर मैं आपको उसका चेक कराऊं तो भाई क्या सीन है, ये गलत चीज ऑन कर दी क्या मैंने, हाँ फैन तो ये रहा भाई। तो अभी जो है भाई इसकी एसी ऑन हो गई है, वाइब्रेशन इसकी बढ़ गई थोड़ी सी, वो इसीलिए क्योंकि भाई ये जो गाड़ी है कुछ दिनों से चली नहीं है, ठीक है। अब इंटीरियर में तो भाई ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, प्यारी है, 20 लाख की रेंज में ऑल्टो आती है यार, लेकिन इसमें ऑल्टो से ज्यादा फीचर्स हैं, मतलब कि ऑल्टो भी मैनुअल मिलेगी आपको, लेकिन ये गाड़ी ऑटोमेटिक, पावर साइड मिरर्स, और उसके अलावा पावर विंडोज, और इतनी अच्छी सीट्स, और ये गाड़ी भाई मित्सुबिशी की जापानी गाड़ी है, जिसमें आगे भी 3 लोग बैठ सकते हैं, पीछे भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और 6 लोगों के स्पेस के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और अच्छा, यहाँ पर भी इसके पॉइंट्स बने हुए आते हैं जब पेट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। और इधर हमें ये भी दिखाते हैं कि भाई अभी जो है गाड़ी कौन से गियर पे है, फॉर एग्जाम्पल अभी गाड़ी जो है हमारी पार्किंग पे है, तो अभी ये, अभी मैं अगर आपको करके दिखाऊँ ना तो भाई ये गाड़ी देखना भी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी रिवर्स न्यूट्रल, और नीचे ड्राइव, और ये देखो रिवर्स, और ये ऊपर पार्किंग, ठीक है। हैंड ब्रेक दोबारा से पकड़ लो भाई, पता चले गाड़ी पार्किंग से ही बाहर निकल जाए। तो भाई ये देख लिया आप लोगों ने सीन गाड़ी का, और अब जो है हम लोग चलते हैं गाड़ी की डिग्गी की तरफ और गाड़ी के इंजन की तरफ, ठीक है। एसी वापस से बंद कर लो यार, वीडियो बार बार मेरी ब्लर हो जा रही है, ठीक है। और अच्छा, इसका जो स्टीयरिंग है भाई वो बिल्कुल स्मूथ है, पावर से भी ज्यादा स्मूथ है, ये देखो एक हाथ से और ये एक हाथ से, ठीक है। इससे ज्यादा स्मूथ गाड़ी का मैंने वैसे स्टीयरिंग नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने देखा है तो यार कमेंट करके जरूर बताना। और मतलब कि बिल्कुल हैवी सा लुक आ रहा है भाई, यहाँ पे स्पेस देखो कितना है, यहाँ से भी और इधर से भी, भाई मानना पड़ेगा यार मित्सुबिशी की जापानी गाड़ी को। और अच्छा, अब इसका इंजन यहीं से खुलेगा, चलो ये खोल के चेक करते हैं, यहीं से खुलना है भाई, पता नहीं है, चलो चेक करते हैं। तो भाई ये है कुछ इस गाड़ी का इंजन रूम, और देख लो भाई छोटा सा इंजन है, और ये 660 सीसी इंजन है, बैटरी इसकी यहाँ पर है, और जो हम लोग कुप्पे बोलते हैं गाड़ी के वो एक ये रहा, और एक तो है पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बोनेट जो है इसका वो ये है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जैपनीज में एयर कंडीशन का कुछ सिस्टम लिखा हुआ है, इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और ये इंजन जो है भाई इसका अंदर से भी देख लो काफ़ी छोटा है, और मतलब कि बिल्कुल छोटा सा ही है, और 660 सीसी है, और ये गाड़ी जो है पेट्रोल की जो फ्यूल एवरेज है वो 20 से 19 देती है, ठीक है, या तो फिर कम से कम 18 तो देती ही देती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जो है भाई कर लेते हैं बंद, इसको रखते हैं यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे रखेंगे ना, हाँ ठीक है। और अब चलो इसको हम लोग कर लेते हैं बंद, और आफ्टर दिस चलते हैं डिग्गी की तरफ, और देखते हैं भाई डिग्गी का क्या सीन है। ओके,
तो जो डिग्गी है वो इसकी खुल गई। वाह खुल गई भाई, खुल गई। ओके अब ये देख लो भाई, शॉक्स आ जाते हैं इसमें। नहीं अरे भाई डिग्गी तो बंद हो रही है, इसको पकड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये देख लो कुछ बैक से डिग्गी, और ये छोटी सी है भाई, ये छोटी सी है, ये मानना पड़ेगा कि डिग्गी जो इसकी ऑल्टो से छोटी ही है। ठीक है, और इसमें और कुछ दिखाने को दे नहीं। यहाँ से भी देख लो साफ सुथरी लगी पड़ी है, यहाँ से भी देख लो भाई, ये देख लो। ठीक है ओके, तो अभी चलो इसको हम लोग बंद कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यार मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है, और इंटीरियर भी देख लो भाई, इस गाड़ी का साफ सुथरी है। और हमने भी लिए शोरूम से, लेकिन यार कंडीशन देखो भाई इस गाड़ी की, शॉपर वॉपर चढ़े में गाड़ी नहीं लगी पड़ी है अभी तक। ठीक है, ऐसी गाड़ियाँ जो है ऐसी कंडीशन में बहुत ही कम मिलती हैं। तो अभी जो है यार सीन कुछ ये है कि व्लॉग मैं इतनी बना नहीं पा रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा जहाँ पे घर है उधर लाइट ही नहीं है भाई, ना फ़ोन चार्ज होता है, ना पानी, ना कुछ, सिस्टम ख़राब है। तो अभी जो हम लोग आए हैं अपनी दादी के घर पे, और मैंने सोचा कि यार कवरिंग कर लेते हैं, इस गाड़ी का व्लॉग ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यार ये गाड़ी भी अलग तरह की है। तो आप लोग को यार मैं उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।